गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं हूँ आपकी टीचर अंकिता मैम। हमने पिछले क्लास में क्या किया था, याद है आपको? यस, हमने पिछले क्लास में वाक्य को पढ़ना और वाक्य को लिखना सीखा था। आज वापस से मैं आपको वाक्य कैसे पढ़ना है और वाक्य कैसे लिखना है वो सिखाऊंगी। तो आओ शुरू करें। अब हम वाक्य रीड करेंगे। हमारा सबसे पहला वाक्य है थर्मस उधर रख। ये क्या लिखा है? थर्मस उधर रख, पूर्ण विराम। अब एक साथ रीड करो, थर्मस उधर रख। हमारा दूसरा वाक्य है बर्तन ठन ठन मत कर। बर्तन ठन ठन मत कर, ये क्या लिखा है? बर्तन ठन ठन मत कर, पूर्ण विराम। अब एक साथ रीड करो, बर्तन ठन ठन मत कर। हमारा तीसरा वाक्य है मगन सर्कस चल। मगन सर्कस चल, अब आप मेरे साथ रीड करो, ये क्या लिखा है? मगन सर्कस चल, पूर्ण विराम। अब एक साथ रीड करो, मगन सर्कस चल। अब हम वाक्य लिखना सीखेंगे। आपको आपकी क्लासवर्क बुक में पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 निकालना है और मेरे साथ साथ लिखना है। सबसे पहला वाक्य है थर्मस उधर रख, पूर्ण विराम। थर्मस उधर रख, तो हम ब्लू लाइन से लिखना शुरू करेंगे। थर्मस, अब थोड़ी जगह छोड़ के उधर थर्मस उधर, अब थोड़ी जगह छोड़ के रख, पूर्ण विराम। अब एक साथ पढ़ो, थर्मस उधर रख। अब यहाँ पे आपको लिखना है। हमारा दूसरा वाक्य है बर्तन ठन ठन मत कर। बर्तन ठन ठन मत कर, अब हम ब्लू लाइन से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बर्तन लिखेंगे। बर्तन, अब थोड़ी जगह छोड़ के ठन, बीच में छोटी सी लाइन बनाएंगे और वापस से ठन लिखेंगे। बर्तन ठन ठन, अब थोड़ी जगह छोड़ के
मत, बर्तन ठन ठन मत, अब थोड़ी जगह छोड़ के कर लिखेंगे। पूर्ण विराम। अब एक साथ रीड करो, बर्तन ठन ठन मत कर। अब यहाँ पे आपको लिखना है। हमारा तीसरा वाक्य है मगन सर्कस चल। मगन सर्कस चल, पूर्ण विराम। अब हम ब्लू लाइन से लिखना शुरू करेंगे। मगन थोड़ी जगह छोड़ के हम सर्कस लिखेंगे। ये क्या लिखा हमने? सर्कस। मगन सर्कस, अब थोड़ी जगह छोड़ के चल लिखेंगे। और वाक्य खत्म हो जाने पर हम क्या बनाते हैं? पूर्ण विराम। अब पूरा रीड करो, मगन सर्कस चल। अब यहाँ पे आपको लिखना है। अब आपको आपकी क्लास वर्क बुक में पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 निकालना है और मेरे साथ लिखना है। चित्र पहचान कर शब्द लिखो। अब हमें चित्र को पहचानना है और वो शब्द यहाँ पे लिखना है। हमारा सबसे पहला चित्र है सफर। कौन सा चित्र है ये? सफर। तो हम फर्स्ट ब्लू लाइन से लिखेंगे। ये क्या लिखा हमने? सफर। हमारा दूसरा चित्र कौन सा है? ऐनक। ये क्या है? ऐनक। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ब्लू लाइन से लिखेंगे। ये क्या लिखा हमने? ऐनक। हमारा तीसरा चित्र है वजन। ये कौन सा चित्र है? वजन। तो हम यहाँ पे वजन लिखेंगे। वजन। हमारा चौथा चित्र है भवन। ये कौन सा चित्र है? भवन। तो अब हम यहाँ पे भवन लिखेंगे। ये क्या लिखा हमने? भवन। हमारा नेक्स्ट पिक्चर है गगन। ये कौन सा चित्र है? गगन। तो हम यहाँ पे कौन सा शब्द लिखेंगे? गगन।
क्या लिखा हमने? गगन। हमारा सबसे लास्ट चित्र है भगत, तो हम यहाँ पे भगत लिखेंगे। क्या लिखा हमने? भगत। सफर, कौन सा चित्र है ये? सफर का। ये कौन सा चित्र है? ऐनक। वजन, भवन, गगन, भगत। अब आपको आपकी होमवर्क बुक में पेज नंबर 92 और पेज नंबर 99 पे होमवर्क करना है। बच्चों, अभी आपको वाक्य पढ़ना और लिखना आ गया होगा, तो फिर मिलेंगे। बाय बाय।